ऐसे ही सरप्राइज हुए थे ना जब वीर भाई से मिलने गए थे हम। वो सब छोड़ो, आप ये बताओ वीर भाई का सरप्राइज कैसा लगा आपको? कैसी लगी डेट? कैसा? अच्छी थी वो। अब वो हम जो जब मैं पहुंची तो वो ऐसे नहीं बताएंगी चाची, इनसे तो बात निकलवानी पड़ेगी। आप अपराधियों को डंडे मार मार कर भगाते हुए अच्छे लगते हैं। जैसे नाचने की बारी आती है आपकी तो वैसे भी टाइट फ्रेश हो जाती है, तो इसलिए आप मत नाचिए। अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। नहीं नहीं नहीं, अगर आप नाचेंगे तो आपकी कमर में मोच आ जाएगी, फिर आप गुंडे भैंसों को कैसे पकड़ेंगे? नहीं नहीं, आप उन्हें अपनी सख्त आवाज में डांटते हुए अच्छे लगते हैं, आप मत नाचिए। खामोश। वायु, अरे क्या खा रहा है बैठ के? भाभी कहाँ है तेरी? मुझे क्या पता। अरे घर में ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे। थानेदार साहब, मैं यहाँ हूँ। बुलबुल? वो मैं गर्मा गर्म और मीठे मीठे घेवर लाने गई थी। घेवर? हाँ। घेवर में तो बहुत घी होता है बुलबुल। अरे मैंने पता है आपको नहीं पसंद है, आपको तो अपनी ये कुश्ती वाले पुट्ठे पसंद है ना। ये मैं रुद्र सा के लिए लाई, उन्हें घेवर बहुत पसंद है और वो भी घी वाले। घेवर तो मन्ने भी बहुत पसंद है, ऐसे घी में तैरते हुए। लपटना जल्दी से, एक हाथ परोसते मन्ने भी। पापा साहब, आपके लिए तो ये खास वाले घेवर लेकर आई हूँ, चीनी मुक्त घी मुक्त एकदम सेहत युक्त है ये घेवर। और ये खास घेवर सिर्फ रुद्र सा के लिए लाई, ये वाले घेवर। अच्छा जी। हाँ थानेदार साहब, आपको पता है आज सुबह उन्होंने ना हमारे को सुप्रभात वाला मैसेज भी भेजा था, और उस मैसेज के साथ साथ हमारे को एक चुटकुला भी भेजा था, बड़ा मजेदार चुटकुला था, बड़े मजाकिया है रुद्र साहब। बड़े मजाकिया है, बड़े मजाकिया है रुद्र साहब भी। ऐसे थानेदार साहब, आप और रुद्र साहब एक ही स्कूल में थे ना, तो आपको तो पता ही होगा दिल के कितने अच्छे। ओहो, वो भी बड़ा अच्छा, एकदम 24 कैरेट खरा सोना है वो। अब पापा साहब। रुद्र रुद्र रुद्र, पहले श्री श्री कार्तिकारिन की बातें खत्म नहीं होती थी, अभी 10 मिनट में 1000 बार रुद्र। वैसे भाभी, हाँ मानना पड़ेगा, रुद्र भाई है बड़े अमेजिंग आदमी। देखो उन्हें पता है कि लड़की को क्या पसंद है और क्या नहीं, और वो अपनी ड्यूटी के बाद उनके लिए टाइम भी निकालते, उन्हें डांस करना भी आता। ए भाई मैं क्या बोलता हूँ, आपको उनसे रोमांस और डांस की क्लासेस ले ही लेनी चाहिए, क्यों पापा? हाँ हाँ चाचू, एक्सलेंट आइडिया। वैसे भी ना जिम जा जाकर आपके मसल्स बहुत बन गए, अब इसकी बारी है। पापा साहब,
आपको पता है रुद्र सा है ना, वो अपनी वकालत की परीक्षा में अव्वल आए थे, पहले नंबर पे आए थे। हाँ? पहले नंबर पे? अरे वाह वाह वाह। ए रुद्र, ए वीर, तू यूपीएससी के एग्जाम में सेकंड आया था ना? ये दूसरे नंबर पे आए थे? हाँ? अच्छा, जब मारे को पढ़ाते तब तो बड़े थानेदार बनते रहते। ऐसे बोलते बुलबुल, देखो अपने लेसन अच्छे से करो, पूरा पढ़ो। आज मैं तुम्हारी के कहते हैं उसको वाइवा, हाँ आज मैं तुम्हारी वाइवा की परीक्षा लूंगा। अच्छे से पढ़ो, ये करो वो करो। मारे को तो रुद्र साहब बड़े अच्छे लगे। अब ठीक है ना भाई? आराम से ये दे दो मुझे। जी मुझे थानेदार साहब। क्या क्या हुआ थानेदार साहब, ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो भी ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, शुरू हो गई रुद्र साहब। भाई कि मुझे तो रुद्र साहब बहुत पसंद है, बहुत। हाँ सही कहा। मैं तो ये भी सोच रही हूँ ना कि हमारी परीक्षा आने वाली है ना, तो मैं पढ़ाई में भी उनसे थोड़ी मदद। कोई जरूरत नहीं है। पापा मेरा मतलब है कि पढ़ाई है। हाँ। तो आपसे भी पढ़ाई हो सकती है ना, आप भी पढ़ा सकते हैं, माँ भी पढ़ा सकती है, मतलब कोई भी पढ़ा सकता है ना। रुद्र को क्यों परेशान करना? इसमें परेशानी कैसी, आज तो वैसे भी हम उनसे मिलने वाले, तो पूछ लूंगी। हम क्यों मिलने वाले, क्यों मिलने वाले हम, और क्या काम है हमें उससे मिलने का? शादी की बात करनी है। किसकी शादी की बात बुलबुल वीर प्रताप सिंह, कौन सी शादी की बात और क्यों? थानेदार साहब, रुद्र साहब और दृष्टि जीजी की शादी की बात। रुद्र साहब, दृष्टि जीजी, अच्छा या पापा? हाँ? रुद्र और इनकी दृष्टि जीजी? हाँ मैंने पता है। आपने पता है? तन्ने नहीं पता। अब मैंने भी पता है। रुद्र साहब और दृष्टि जीजी। दृष्टि जीजी। रुद्र साना आज पुष्कर जा रहे हैं हमारी गुड़ की ढेली और हमारे बाबा साहब से मिलने। वो हुआ ये कि उन्होंने हमारे को जो चुटकुले भेजे थे ना, वो भेज के वो घुमा फिर आके दृष्टि जीजी की बात कर रहे थे, तो मैं समझ गई। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इस मौके का फायदा उठाऊं और दोनों परिवारों को मिला दूं। हाँ। अच्छा रहेगा ना, उन दोनों की जोड़ी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है ना थानेदार साहब। हाँ तो अब एक काम करिए, आप भी जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, हमें भी जाना है माँ के घर। ठीक है? ऐसे बच गया बेटा जी तू, वरना तो बिजली ने लगभग लगभग तुझे हार्ट अटैक दे दिया था। बुलबुल नीचे बड़ा मजाक उड़ा रही थी तुम्हें। हाँ बहुत हंसी आ रही थी। मैं बस अपने पति को छेड़ रही और कुछ नहीं। आपको इसमें भी परेशानी है क्या मिस्टर साहब? हाँ आप ये क्या कर रहे हैं? बस अपनी पत्नी को जरा सा छेड़ रहा था। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना मैडम सब। क्या है कि ये कल बहुत सारी अपने दिल की बातें कहनी थी, तो हालात ही ऐसे नहीं थे, अपने दिल की बात कह ही नहीं पाए, लेकिन आज कहूंगा। पॉक्सो के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, तो उस लड़के पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। चुहा 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 आ गया, चुहा आ गया, चुहा आ गया, चुहा आ गया, चुहा चुहा आ गया, चुहा आ गया। कहाँ है चुहा? कहाँ है चुहा? चुहा चुहा हमारे पेट पेट में है थानेदार साहब, वो
वो मारे को बहुत भूख लग गई है तो चूहे आ गए पेट में। अब मैं जाके नाश्ता कर लेती हूँ। और वैसे भी अब हाँ, मासा और कूचा मन की कावेरी चाची साहब आ गए होंगे ना, अब मैं उनके साथ बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। आप जब तक तैयार हो जाए, हमें पुष्कर के लिए भी निकलना है ना, तो मैं आ जाऊँ। माँ चल क्या रहा है इस घर में? एक तो आपने मुझे ऑफिस से जल्दी बुलाकर नाश्ता खाना बनवाया, अब आप बता ही नहीं रही हो कि बात क्या है, कुछ तो बोलो। त्रिश्री, अगर मैंने बुलाया तो कोई कारण ही होगा ना? क्या? आज बुलबुल और वीर का वर्षा आ रहा है, खाना यहीं खाएंगे। क्या वीर आ रहे हैं? अब बुलबुल भी? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाकर अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। त्रिश्री, लगता है मेरे वीर आ गए। माँ, बस बस खुश रहो। सॉरी सर। खम्बा गणी भाई साहब बता रही है। रुद्र, आई आई। बता रही भाई साहब। आइए आइए आइए, पधारिए। देवेंद्र सिंह रजावत के पुरखों की रजवाड़ी हवेली में आपका स्वागत है। आइए विराजी। ये सब लोग यहाँ क्यों आए? यहाँ तो सिर्फ मेरे वीर आने वाले थे और वो बेवकूफों की महारानी खले पड़ी बहुरानी पुल पे। यहाँ पे चल क्या रहा है? क्यों आए? मारी रजवाड़ी शांत, तो आप देख ही सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है प्रभु का। ये लीजिए, मारी लाडली बेटी दृष्टि भी आ गई। हाय। दृष्टि, तुम यहां आकर बैठो। कवर साहब। जी माँ, ये खाना तो बहाना था, लेकिन आज ये खाना, ये सेलिब्रेशन इसलिए रखा गया क्योंकि कॉलेज का वो फोटो वाला केस अब खत्म हो चुका है। लड़कियां सेफ हैं और गुनेगार को सजा भी मिल चुकी है। लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे एक वजह और भी है। रुद्र, मैं और रुद्र कई साल स्कूल में एक साथ पढ़ाई करते रहे, फिर इस केस की वजह से दोबारा मिलना हुआ। उस दिन कोर्ट में फॉर्मली मिले थे, आज हम दोस्त की तरह मिल रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मिलना दोबारा से एक खास वजह बन जाएगा। बुलबुल ने इस ओवर स्मार्ट लॉयर को यहाँ क्यों बुलाया? हो क्या रहा है? इसलिए हमने सोचा कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर लिया जाए। मैंने माँ, बाबा और रुद्र से बात की, ना सिर्फ ये सहमत है बल्कि बहुत खुश भी है। अब अगर जस्टिस चौधरी साहब की सहमति हो और दृष्टि हामी भरे तो फिर हम इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं। ये क्या कह रहा है वीर? अरे मैं खुद जिससे शादी करना चाहती हूँ वो मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय करवा रहा है। मैं जो भी कर रही हूँ वो आपके ही भले के लिए कर रही हूँ जीजी।
दृष्टि बहुत ही हुनर और काबिल लड़की है। इनफैक्ट मैंने तो पिछले एक साल से इसे देखा है कोर्ट में काम करते हुए। सच पूछे तो आई बी वेरी लकी अगर दृष्टि जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की मेरे रुद्र की वाइफ बनेगी तो फिर तो ये फैमिली विल बी फुल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। भाई मुझे तो ये शादी से कोई एतराज नहीं है। ये तो कितनी खुशी की बात है। इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता ही कि रुद्र सा और मारी दृष्टि दीदी की शादी होने वाली है। और वैसे भी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। क्या किसी की कमी थी, आ गई ये भी अपने बुढ़े बेटे का रिश्ता लेकर। समदन साहब खंभागणी, आप अचानक यहाँ? मिलने का मन कर रहा था बहुत दिनों से, तो सोचा आकर मिल लूं। माफ करना मैं बिना बताए आ गई। ना ना कोई बात ना, आप पधारिए ना। घर पर काफी मेहमान आए हुए हैं तो। हाँ देखो ना कितने सारे मेहमान आए हैं, और ना मैं भी साथ चली आई। मारे को लगा देखना चाहिए कि पुष्कर की बुलबुल कहाँ रहती है, और आते ही ये खबर सुनी। पर नहीं, मारे को बहुत खुशी हुई। दृष्टि कांग्रेट्स, हाँ फाइनली तुम्हें अब पार्टनर मिलने वाला है जिससे तुम हेल्प ले सकती हो, और अब बार बार हमारे घर आने की भी जरूरत नहीं वीर भाई से हेल्प लेने की। ग्रेट ना? हमारे होने वाले समधी जी हैं। नहीं, नमस्ते। नमस्ते चौधरी साहब, मारे को मारी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से मंजूर है। आपके घर के साथ रिश्ता जोड़ के मारी रजवाड़ी सान में भी तो 4 नहीं 8 चांद लग जाएंगे। बैठिए बैठिए आप लोग बिराजी। इसे क्या हुआ? वो जीजी शर्मा आ गई, मैं देख कर आती हूँ। बैठिए बैठिए आप। सबदन साहब आप बिराजी ना। क्या हुआ जीजी, आप ऐसे अंदर क्यों आ गए? मैं बताऊँ क्या हुआ? दृष्टि, दृष्टि क्या बात है, तू ऐसे क्यों आ गई? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। माँ ये सब क्या नौटंकी चल रही है बाहर? और किससे पूछ कर किया आपने ये सब कुछ? बिना मेरी परमिशन के मेरा रिश्ता कैसे करा सकती है? क्यों ना कर सकती? और तुम्हारे को एक वजह दे दे कि जो कुछ भी मैंने किया उसमें कुछ भी गलत है। रुद्र साह एक अच्छे इंसान है, अच्छा काम करते हैं, मेहनती है, समझदार है, एक अच्छे परिवार से है वो, और सबसे बड़ी बात वो तारे को पसंद करते हैं। तो उन्हें मौका तो दे। और हारे को और बुलबुल दोनों को यही लगता है कि थारी और रुद्रसा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हो तो तूने किया है ये सब कुछ? तेरी चाल है ना ये सब कुछ? बोल, तेरी चाल है ना? कितनी बड़ी हो गई है तू कि अब तू मेरी जिंदगी के फैसले लेगी? अपनी शादी और अपने रिश्ते को बचाने के लिए हमारे बस में जो भी होगा मैं वो सब करूंगी जीजी। आपको याद है उस दिन जब आप हमारे घर आई थी? उस दिन भी आपने थानेदार साहब से यही कहा था
कि वो आपसे उसी दिन शादी करे। ये लो सिंदूर, और पढ़ तो मेरी माँ, देख तो मुझे पत्नी का वो दर्ज जो हमेशा से मेरा ही था। और मारे से तो आपने हमारा मंगलसूत्र भी खींचने की कोशिश की थी। आपको याद है ना उस दिन मैंने आपसे क्या कहा था? उस दिन भी मैंने आपसे यही कहा था कि ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब कुछ थानेदार साहब ने मारे को पहनाया, और इन सारी चीजों पर सिर्फ मारा हक है।